सो हेलो इसके फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इस नई वाली होंडा एक्टिवा 125 प्रीमियम एडिशन को फुल डिटेल्स में कवर करने वाले हैं और जानने वाले इस स्कूटर के इंजन स्पेक फीचर से लेके सब कुछ के बारे में। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको इस प्रीमियम एडिशन में कलर स्कीम देखने को मिल जाता है। ये स्कूटर आपको डुअल टोन में देखने को मिलती है सिर्फ इसी प्रीमियम एडिशन में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर में आपको रोज गोल्ड और नीचे में व्हाइट कलर का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रोज गोल्ड में ही ग्राफिक्स भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में इस स्कूटर को ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर में आपको इस टाइप का ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप का आपको फ्रंट फेसिया देखने को मिलता है, जिसके बीच में आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको होंडा कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और इंडिकेटर्स का आपको कुछ इस टाइप का हैलोजन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको इस स्कूटर का DRLs मिल जाता है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इस स्कूटर का हेडलैम्प देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप का DRLs देखने में लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। और बीच में आपको ये क्रोम का पैच देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल इसके खूबसूरती को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। और यहाँ पर आप लोग हैलोजन ये भी देख सकते हैं, इंडिकेटर्स भी। इस साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज़ आपको दोनों साइड में देखने को मिलता है, उस साइड भी और इस साइड भी। और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और 90x90 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलता है और ये आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। कुछ इस टाइप का आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। ब्रेक्स की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको इसमें दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक है ड्रम और एक है डिस्क। वैसे ही अभी डिस्क वाला वेरिएंट आप अपने सामने देख रहे हैं। इसमें आपको 170mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसे स्कूटर का ड्रम में लेते हैं तो उसमें आपको 130mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है विद CBS ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि होंडा बहुत पहले से यूज करता रहा है। सीट के बारे में बात करते हैं तो सीट काफ़ी ज़्यादा लंबा और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल दिया गया है। और बात करते हैं साइड लुक के बारे में, तो कुछ इस टाइप का आपको व्हाइट कलर में साइड लुक देखने को मिल जाता है। और नीचे भी यहाँ पर ये जो फ्लोर बोर्ड के बगल वाला जो पैनल है वो भी आपको रोज गोल्ड में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का रोज गोल्ड में ग्राफिक्स मिल जाता है और आपको यहाँ पर प्रीमियम एडिशन का बैजिंग देखने को मिल जाता है। कुछ इस टाइप का आपको ग्रैबरल्स रोज गोल्ड में देखने को मिल जाता है। रियर व्यू के बारे में बात करते हैं तो रियर में भी आपको ये मतलब कि कुछ इस टाइप का आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और वैसे ये हैलोजन टेल लैम्प्स ये आपको LED देखने को नहीं मिलते, और इस टाइप का आपको कुछ हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको क्रोम स्ट्रिप्स देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको एक्टिवा 125 का लोगो देखने को मिल जाता है। और नीचे आपको कुछ इस टाइप का मडगार्ड देखने को मिलता है। और राइट साइड के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर का। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा इस स्कूटर का फुट पैक, जो कि मेटल में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्कूटर के मीटर कंसोल के बारे में, तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन में मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। तो एक बार मैं इसे ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको एनिमेशन सबसे पहले बना हुआ आता है यहाँ पर, और ये फुल स्वाइप अप करता है। यहाँ पर आपको साइड डिस्टेंस इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर में आपको साइड डिस्टेंस कट ऑफ फंक्शन भी देखने को मिलता है। तो अगर इस स्कूटर का जो साइड डिस्टेंस लगा हुआ है तो ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगी, जो कि सेफ्टी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। और बाकी इस स्कूटर में आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक टॉगल बटन देखने को मिलता है। तो यहाँ टॉगल करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लॉक देखने को मिल जाता है, एवरेज स्कूटर बताती है कि कितना एवरेज आपका स्कूटर दे रहा है, रेंज बताता है, टोटल किलोमीटर्स बताता है कितना किलोमीटर चला हुआ है, और ट्रिप बताता है। बाकी नीचे आप यहाँ पर आपको फ्यूल गॉस देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों स्विचेस के बारे में बात करते हैं तो इस साइड में आपको सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिलता है, और इसी में इंटीग्रेटेड आपको ऑटो स्टार्ट ऑफ का भी फंक्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम और इसी में इंटीग्रेटेड आपको पावर स्विच, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर स्विच और यहाँ पर आपको हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। और फ्लोरबोर्ड के बारे में बात करते हैं तो फ्लोरबोर्ड भी काफ़ी ह्यूज दिया गया है, काफ़ी आप कंफर्टेबली अपने पैर को रख सकते हैं। यहाँ पर आप छोटा मोटा लगेज वगैरह भी यहाँ पर टांग सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप का, आप यहाँ पर अपना चाहे तो फ़ोन लगा सकते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, लेकिन ये जो ग्लव बॉक्स है वो लॉकेबल नहीं है, इसे आप लॉक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फुल मैकेनिज्म देखने को मिलता है की स्लॉट का, जहाँ से आप चाहें तो अपना सीट भी ओपन कर सकते हैं, फ्यूल लीड को भी ओपन कर सकते हैं, सब काम यहीं से आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप इस स्कूटर के सीट और फ्यूल लीड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको की स्लॉट में फ्यूल और सीट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो नॉर्मली की को इस पोजिशन पर लाना है, और ये जो आप स्विच देख रहे हैं एक है ऊपर में फ्यूल का और नीचे है सीट का, तो आप फ्यूल वाले को एक बार क्लिक करें और यहाँ पर सीट का ऑप्शन इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सीट के नीचे आपको काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको कोई भी
मेरे हिसाब से चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आप लोग अपना कुछ छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। बात करते हैं फ्यूल लीड के बारे में, तो इसमें आपको 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्कूटर के इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 124 सीसी का एयर कूल इंजन देखने को मिलता है जो 8.18 bhp का पावर और 10.3 nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करता है। तो यहाँ पर इस स्कूटर का जो पावर है वो भी देखा जाए तो काफी सही अपने सेगमेंट के हिसाब से, और आपको चलाने में काफी अच्छा फील होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्कूटर के कुछ डायमेंशंस के बारे में, तो इसमें आपको सबसे पहले 712 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा लो है। तो अगर आपका हाइट देखा जाए लो है, मीडियम है या फिर कुछ भी है, तो आप इस स्कूटर को इजीली राइड कर सकते हैं। और इसका जो वजन है आपको 111 kg का देखने को मिल जाता है जो कि देखा जाए तो कोई खास ज्यादा है नहीं। और जब आप इस स्कूटर पर बैठेंगे तो आपको काफी ज्यादा लाइट वेट स्कूटर फील होने वाली है। और अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है जो कि देखा जाए तो इंडियन रोड्स के हिसाब से काफी ज्यादा बेटर है और आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहीं दोस्तों रियर टायर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी आपको 90x90 सेक्शन के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं और रियर में आपको 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। तो रियर में आपको कोई भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल फ्रंट में आपको देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं इस स्कूटर के प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर में आपको टोटल दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, पहला है डिस्क और दूसरा है ड्रम। तो हमारे एरिया ससराम रोहतास बिहार पे सुदर्शन होंडा के ऊपर इस स्कूटर का जो डिस्क ब्रेक का प्राइस है उसका करीबन 1,02,000 के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिलता है। और वहीं ड्रम ब्रेक के बारे में बात करते हैं तो करीबन 98,000 के अप्रॉक्स में हमारे शोरूम के ऊपर इस स्कूटर का प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए शोरूम विजिट करना पड़ेगा। और दोस्तों बात करें कंक्लूजन के बारे में, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको 125 सीसी में एक प्रीमियम दिखने वाली स्कूटर चाहिए और आपको काफ़ी अच्छा फीचर्स वगैरह ऑफर कर दे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो और प्राइस भी सही हो, ज़्यादा महंगा ना हो, तो आप इस स्कूटर के साथ आँख मूंद कर जा सकते हैं। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ।